तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर और स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक बुक गाय पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम ड्रैगन बॉल हकाई की स्टोरी को कंटिन्यू करने जा रहे हैं और आज हम देखेंगे कि कूलर गार्लिक जूनियर की स्क्वाड का कैसे सामना करता है। दोस्तों, ड्रैगन बॉल हकाई की बहुत ही अमेजिंग स्टोरी को लिखा है हकाई इंग्लिश ने और उनसे जुड़े लिंक मैंने इनके डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो जाइए और उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। आज की वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें सारी की सारी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे अपने वीडियो पर आते हैं। लास्ट वीडियो के एंड में हमने देखा था कि सेल्जा और उसके साथी गार्लिक जूनियर की स्क्वाड के सामने हार जाते हैं, जिसके बाद कूलर फाइट में उतरता है। वो एकदम से चिल्लाता है कि महान कूलर के हाथों मारे जाने के लिए तैयार हो जाओ। इसके बाद वो एकदम से पावर अप करने लग जाता है। जैसे ही कूलर पावर अप करता है, हम देखते हैं कि उसकी बॉडी के अंदर से बहुत ही ज़बरदस्त एनर्जी निकलने लग जाती है। सेल्जा का स्काउटर एकदम से पावर को रीड करने लग जाता है और सेल्जा को इस बात पर विश्वास नहीं होता। वो बोलता है कि ये कैसे पॉसिबल है, लॉर्ड कूलर का पावर लेवल 200 बिलियन नहीं 600 बिलियन दिखा रहा है और लगातार बढ़ता जा रहा है। कूलर सेल्जा से बोलता है कि सेल्जा, मेरे पावर लेवल का ध्यान रखना और मुझे बताना कि वो डिवाइस मेरे पावर लेवल को रीड कर सकता है या नहीं। सेल्जा बोलता है कि जी सर। इसके बाद वो अपने मन में बोलता है कि पता नहीं ये पॉसिबल कैसे है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि ये कैसे हो सकता है। कूलर इसके बाद गार्लिक जूनियर की स्क्वाड से बोलता है कि मैं अभी भी और पावर को रिलीज़ कर सकता हूँ, पर मुझे लगता है कि ये ताकत तुम लोगों को हराने के लिए काफ़ी होनी चाहिए। जिंजर निकी से बोलता है कि इस मॉडल का पावर लेवल सच में बहुत ज़्यादा है, इस मॉडल का पावर लेवल सेलेस्टियल वर्ल्ड के गॉड्स के आसपास होगा, ये सच में काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है। सांशो बोलता है कि ये बात तो क्लियर है कि ये कोई आम मॉडल नहीं है, हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें बॉस को अलर्ट करना चाहिए। निकी एकदम से चिल्लाता है कि तुम लोग बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, ये सोचो ये कितनी शर्मनाक बात होगी अगर हमें गार्डियंस के सामने अपने चीफ को बुलाना पड़ा सिर्फ मॉडल्स का सामना करने के लिए। अगर हम ये भी हैंडल नहीं कर सकते तो मुझे नहीं लगता कि हम लोग कभी भी सेलेस्टियल गार्डियंस बन पाएंगे। अब समय आ गया है कि हम लोग इन घमंडियों को दिखा दें कि हम लोग क्या कर सकते हैं। इसके बाद निकी, सांशो और जिंजर तीनों हंसने लग जाते हैं और एकदम से वो लोग अपना पावर लेवल बढ़ाने लग जाते हैं। सांशो बोलता है कि ये कैसे हो सकता है, वो लोग अभी भी अपनी पावर को छुपाए हुए थे, उनकी ताकत लगातार बढ़ती जा रही है। कूलर भी ये सब कुछ देख रहा होता है पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता क्योंकि उसे अपने पावर लेवल पर पूरा विश्वास है। तभी हम देखते हैं कि निकी, जिंजर और सांशो तीनों एकदम से ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लगने लग जाते हैं। कूलर सेल्जा की तरफ देखता है और बोलता है, कैप्टन सेल्जा, मुझे बताओ कि ये लोग कितने पावरफुल हो चुके हैं। सेल्जा बोलता है कि अकेले इनका पावर लेवल आपके आसपास भी नहीं है, पर ये तीनों मिलकर आपके लिए काफ़ी दिक्कत पैदा कर सकते हैं और ख़तरनाक हो सकते हैं। कूलर के चेहरे पर एकदम से स्माइल आ जाती है, वो बोलता है कि अच्छी बात है क्योंकि मैं वैसे भी अच्छी एक्सरसाइज करना चाहता था। ये बात सुन के निकी, जिंजर और सांशो के चेहरे पर एकदम से गुस्सा आ जाता है। वो बोलते हैं, क्या एक अच्छी एक्सरसाइज, ये तो सच में बहुत ज़्यादा घमंडी है। तभी हम देखते हैं कि वो लोग एकदम से कूलर पर अटैक करना शुरू कर देते हैं और तीनों एक साथ कूलर की तरफ बढ़ रहे होते हैं। वो तीनों के तीनों एकदम से कूलर को घेर लेते हैं और तीनों उस पर मिलकर अटैक करने लग जाते हैं। जिंजर और सांशो कूलर पर अटैक करने की कोशिश करते हैं पर कूलर अपने आप को बहुत ही आराम से बचा लेता है। पर जैसे ही कूलर अपने आप को बचाता है, वो अपने पीछे मुड़ के देखता है और हम देखते हैं कि निकी कूलर पर अटैक करने वाला होता है। कूलर अपने आप को निकी के अटैक से बचाने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करता और उसके अटैक से कूलर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ये चीज़ देख के निकी भी बिल्कुल हैरान रह जाता है और तभी हम देखते हैं कि कूलर एकदम से निकी के पीछे पहुंच जाता है और उसके चेहरे पे बहुत ही ज़बरदस्त लात मारता है। जिंजर और सांशो ये चीज़ देख के काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं। हम देखते हैं कि कूलर के अटैक की वजह से निकी ने ज़मीन पर एक बहुत ही बड़ा गड्ढा बना दिया होता है। तभी हम देखते हैं कि कूलर एकदम से जिंजर के पीछे पहुँच जाता है और इससे पहले कि जिंजर कुछ कर पाए, हम देखते हैं कि कूलर अपने हाथ को उसकी छाती के आर पार कर देता है। जिंजर कूलर से बोलता है कि आखिर तुम इतनी तेज़ कैसे हो सकते हो। तभी हम एकदम से सांशो को देखते हैं, वो अटैक करने के लिए कूलर की तरफ बढ़ रहा होता है और तभी कूलर नोटिस करता है कि जिंजर ने उसके हाथ को पकड़ लिया है, जो हाथ उसकी छाती के आर पार हुआ था। जिंजर बोलता है कि मैं तुम्हें यहाँ से कहीं नहीं जाने दूंगा। कूलर ये बात सुनकर थोड़ा सा हैरान होता है क्योंकि वो समझ गया होता है कि उनका क्या प्लान है। सेल्जा को लगता है कि कूलर खतरे में है। सांशो अपना अटैक शूट करता है जिसका नाम होता है सुपर डीमन फिस्ट। सेल्जा एकदम से चिल्लाता है कि लॉर्ड कूलर ध्यान से। फ्रीजा शांति से फाइट को देख रहा होता है क्योंकि वो जानता है कि कूलर के लिए ये फाइट ज़्यादा मुश्किल नहीं होनी चाहिए, पर अगर कूलर फिर भी हार जाता है तो कूलर उसके स्क्वाड में रहने के लायक नहीं है। हम देखते हैं कि सांशो के अटैक की वजह से एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। सेल्जा कूलर तक पहुँचने की कोशिश कर रहा था पर उससे पहले ही वो ब्लास्ट ख़त्म हो जाता है और सेल्जा काफ़ी हैरान होता है। तभी हम देखते हैं कि कूलर ने बहुत ही आराम से सांशो के अटैक को रोक लिया होता है और जो अटैक उसने शूट किया था उसे भी एब्जॉर्ब कर लिया होता है। सांशो बोलता है, क्या तुमने मेरे अटैक को एब्जॉर्ब कर लिया। कूलर बोलता है कि तुम्हारे अटैक का नाम था सुपर डीमन फिस्ट, मुझे लगता है कि ये नाम काफ़ी गलत है, मैं इसको एक अच्छा नाम देता हूँ।
ये नाम कैसा रहेगा? फीबल वॉर्म फिस्ट। तभी हम देखते हैं कि कुरर सांशो के हाथ को दबाने लग जाता है और सांशो को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि सांशो के चेहरे पे एकदम से स्माइल आ जाती है और वो अपने दूसरे हाथ से कुरर के हाथ को पकड़ लेता है और वो चिल्लाता है कि निकी अब तुम्हारी बारी है। निकी एकदम से अटैक करने के लिए कुरर की तरफ बढ़ रहा होता है और कुरर उसे देख लेता है। हम देखते हैं कि निकी ने अपने नखूनों को बढ़ा लिया होता है। वो बोलता है कि अब मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। कुरर बिल्कुल शांत खड़ा रहता है। सेल्जा को कुरर की बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही होती है। वो एकदम से चिल्लाता है कि लॉर्ड फ्रीजा प्लीज़ उनकी मदद कीजिए। फ्रीजा को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। और तभी हम कूलर को देखते हैं। कूलर अपनी आई लेजर से एकदम से निकी पे अटैक करता है और ये अटैक निकी की छाती के आर पार निकल जाता है। निकी एकदम से बेहोश होकर ज़मीन पर गिर जाता है। सांशो और जिंजर को विश्वास नहीं होता कि उनका लीडर इतने आराम से हार गया। कूलर बोलता है कि तुम लोगों को लगता है अभी तक समझ नहीं आया है, मुझसे लड़के तुम्हारा कोई भी फ़ायदा नहीं होगा, इसलिए हमें जाने दो। तभी हम देखते हैं कि कूलर अपनी उंगली सांशो की तरफ करता है और एकदम से एक लेज़र शूट करता है। सांशो इस अटैक से मारा जाता है और एकदम से वो ज़मीन पर गिर जाता है। और इसके बाद हम कूलर के दूसरे हाथ को देखते हैं जो कि जिंजर की छाती के अंदर गड़ा हुआ होता है। कूलर अपने हाथ को बाहर नहीं खींचता बल्कि वो जिंजर के दो टुकड़े कर देता है और ये करते हुए कूलर के चेहरे पर बहुत ही बड़ी स्माइल होती है। इसके बाद हम निकी को देखते हैं। निकी अब तक फिर से होश में आ चुका होता है और वो अपने साथियों की हालत देख के बिल्कुल हैरान रह जाता है। वो बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जिंजर और सांशो के साथ ऐसा करने की। कूलर बोलता है कि सच बताऊं तो मुझे लगा था कि तुम लोग मुझे ज़्यादा बेहतर चैलेंज दे पाओगे ताकि मैं अपनी नई पावर्स को भी टेस्ट कर सकूं। सच बताऊं तो ये काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है, पर एटलीस्ट मैं इसलिए खुश हूं कि मैं एटलीस्ट इतने दशकों बाद एक असली लड़ाई लड़ पाया। सांशो इसके बाद बोलता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पर क्या हो रहा है क्योंकि लॉर्ड कूलर की ताकत उन लोगों के मुकाबले उतनी ज़्यादा नहीं थी। वो तीनों डीमंस लॉर्ड कूलर के साथ एक साथ मिलकर लड़ रहे थे, उन्हें ज़्यादा बेहतर चैलेंज दे पाना चाहिए था, पर लॉर्ड कूलर बहुत ही आराम से जीत गए। फ्रीजा बोलता है कि कूलर अपनी ताकत को बहुत ही अच्छे तरीके से कंट्रोल करना सीख गया है और इन तीनों से लड़ाई के दौरान उसने अपनी ताकत को कई बारी चेंज किया था ताकि वो अटैक को डिफेंड कर सके। इसके बाद फ्रीजा अपने मन में सोचता है कि कूलर की उतनी ही ज़्यादा बेहतर होती जा रही है जितनी मेरी है, जबकि उसने मेरे मुकाबले बहुत ही कम ट्रेनिंग करी है। मुझे लगता है कि मुझे उसकी प्रोग्रेस पर और भी ज़्यादा कड़ी नज़र रखनी होगी, जितना मैंने सोचा था उससे भी ज़्यादा। तभी हम देखते हैं कि निकी एकदम से खड़ा हो जाता है। वो बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हें क्या लगता है कि ये लड़ाई ख़त्म हो गई है? भले ही इस वक्त सिर्फ हम लोग अप्रेंटिस हों पर हम लोग अभी भी सेलेस्टियल गार्डियंस हैं और हम लोग इतनी आसानी से नहीं हारने वाले। कूलर बोलता है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो, तुम ऑलरेडी हार चुके हो, तुम्हारे दोनों दोस्त मारे जा चुके हैं और तुम अपनी ऐसी हालत में मेरे सामने कुछ भी नहीं कर सकते। तभी हम देखते हैं कि निकी एकदम से हंसने लग जाता है और बोलता है कि मुझे बस देखते रहो। निकी एकदम से चिल्लाता है और अपने की को चार्ज करने लग जाता है। और तभी हम जिंजर और सांशो की बॉडी को देखते हैं। उन दोनों की बॉडी से एकदम से उड़ने लग जाती हैं और तभी उनकी बॉडीज उड़ के एकदम से निकी के पास चली जाती हैं। तभी हम देखते हैं कि निकी उनकी बॉडीज़ को एब्जॉर्ब कर रहा होता है और तभी हम देखते हैं कि निकी की बॉडी एकदम से ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाती है। सेल्जा बोलता है कि ये क्या, उसकी ताकत तो लगातार बढ़ती जा रही है। तभी हम देखते हैं कि एकदम से निकी की ट्रांसफॉर्मेशन पूरी हो चुकी होती है। हम देखते हैं कि उसका शरीर पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा बड़ा लग रहा होता है और उसके सारे घाव भी भर चुके होते हैं। हम देखते हैं कि जिंजर और सांशो के चेहरे उसकी छाती पर होते हैं। निकी बोलता है कि सांशो और जिंजर की बॉडी को एब्जॉर्ब करने के बाद मैं सबसे ताकतवर डीमन बन चुका हूँ पूरी एग्जिस्टेंस में, तो बेवकूफ़ मॉर्टल अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। सेल्जा को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा होता। कूलर बोलता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, ये मेरे लिए थोड़ा बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। फ्रीजा को ये टेक्निक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है। वो बोलता है कि इन कीड़ों के पास तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग एबिलिटीज़ हैं। कूलर और निकी आमने सामने खड़े होते हैं और तभी एकदम से निकी कूलर पर अटैक करना शुरू कर देता है। कूलर बोलता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा तेज़ है। हम देखते हैं कि निकी एकदम से आके कूलर को बहुत ही ज़बरदस्त पंच मारता है। इस पंच की वजह से बहुत ही बड़ा गड्ढा बन जाता है, पर तभी हम नोटिस करते हैं कि कूलर अपने आप को बचाने में कामयाब हो जाता है और हवा में उड़ रहा होता है। वो बोलता है कि मुझे ये लड़ाई जल्द से जल्द ख़त्म करनी चाहिए। निकी को भी अपनी नई एबिलिटीज़ की वजह से समझ आ गया होता है कि कूलर उस पर अटैक करने वाला है। हम देखते हैं कि कूलर उस पर अटैक शूट करता है, पर तभी एकदम से निकी के पीछे से एक हाथ निकलता है। कूलर ने निकी पे जो अटैक शूट किया था वो इस हाथ की वजह से बेकार हो जाता है। कूलर ये चीज़ देख के बिल्कुल हैरान रह जाता है और तभी हम नोटिस करते हैं कि निकी के पीछे से कुछ और हाथ निकलते हैं और एकदम से ये हाथ जाके कूलर को पकड़ लेते हैं। ये सब कुछ काफ़ी तेज़ी से हुआ होता है, इसीलिए कूलर काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है और तभी एकदम से निकी कूलर पर अटैक करना शुरू कर देता है। वो कूलर को बहुत ही तेज़ी से ज़मीन की तरफ खींचता है और उसे ज़मीन पर पटक देता है। इसके बाद निकी के पीछे से कुछ और हाथ निकलते हैं और ये सारे के सारे हाथ मिलके एक साथ कूलर पर अटैक करने लग जाते हैं। सेल्जा बोलता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो लॉर्ड कूलर मारे जाएंगे। लॉर्ड फ्रीजा, मैं आपसे एक बार फिर से बोल रहा हूँ, प्लीज़ उनकी मदद कीजिए।
फ्रीजा बोलता है कि क्या तुम पागल हो गए हो, अगर कूलर इससे भी नहीं लड़ सकता तो वो मेरे किस काम का। अगर वो ऐसे कीड़े मकोड़े को भी नहीं हरा सकता तो फ्रीजा फोर्स में उसका कोई भी काम नहीं है और उसी वजह से उसकी ज़िंदगी की मेरे लिए कोई वैल्यू नहीं है। ये बात सुन के सेल्स बिल्कुल हैरान रह जाता है। हम देखते हैं कि निकी को लग रहा होता है कि उसने कूलर को हरा दिया है। निकी के अटैक के बाद कूलर की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब लगने लग जाती है। वो बोलता है कि मेरी पूरी ज़िंदगी में मुझे इतनी बुरी मार कभी नहीं पड़ी। हम देखते हैं कि निकी एकदम से कूलर को हवा में उठाता है और इसके बाद वो अपने दो हाथों से एक अटैक बनाने लग जाता है। वो बोलता है कि तुम्हारे मरने का समय आ गया है। कूलर इसके बाद चिल्लाता है। वो बोलता है कि घिनौने डीमन, तुमने मेरे साथ जो किया है उसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। और तभी एकदम से निकी अपना अटैक शूट कर देता है, जिस अटैक की वजह से काफ़ी बड़ा धमाका होता है। पर निकी के अटैक की वजह से कूलर को ज़रा सा भी फ़र्क नहीं पड़ा होता, पर वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और इसके बाद वो ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाता है। सैलसा बिल्कुल हैरान रह जाता है। वो बोलता है कि क्या ये पॉसिबल है, क्या ये लॉर्ड कूलर की अल्टीमेट फॉर्म है? मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा है, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि ये फॉर्म असली है या नहीं। फ्रीजा अपने मन में सोचता है कि मेरे और मेरे फादर के पास ऐसी फॉर्म्स थी जिससे हम अपनी पावर को कंट्रोल कर सकते थे, पर कूलर ऐसा नहीं है। कूलर हमेशा से ही अपनी ओरिजिनल फॉर्म को मेंटेन कर सकता था बिना किसी दिक्कत के, और मेरे जन्म से ही मेरे भाई के बारे में ये चीज़ मुझे डराती है। उसके पास हमेशा से ही वो पोटेंशियल है जिसके बारे में मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। तभी एकदम से फ्रीजा के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वो बोलता है कि ना जाने कितनी बारी इस फॉर्म की वजह से मैं रातों को जागा हूँ, पर मुझे मानना पड़ेगा कि इस फॉर्म को एक बार फिर से देख के मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब तक कूलर की ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो चुकी होती है और उसके चेहरे पर स्माइल होती है। वो बोलता है, फ्रीजा मुझे नहीं लगा था कि मैं इस फॉर्म को तुम्हें दिखा पाऊंगा। तभी एकदम से कूलर लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। वो बोलता है कि तुम्हें खुद पर प्राउड फील होना चाहिए कि तुम मेरी इस फॉर्म के हाथों मारे जाने वाले हो। तभी हम देखते हैं कि निकी एकदम से अपने सारे के सारे हाथों से अटैक करना शुरू कर देता है और बोलता है कि अपनी बकवास बंद करो। निकी के सारे हाथ कूलर की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि कूलर अपने हाथों से एकदम से लेज़र शूट करता है। निकी को अभी तक समझ नहीं आया होता कि कूलर ने क्या किया, पर जैसे ही उसके हाथ कूलर के पास पहुंचते हैं उसके सारे के सारे हाथ कट जाते हैं और इस चीज़ पे निकी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। हम देखते हैं कि कूलर एकदम से निकी के सामने पहुंच जाता है। निकी को विश्वास नहीं होता कि कूलर इतना तेज कैसे हो गया। कूलर एकदम से जाके निकी के पेट में बहुत ही ज़बरदस्त पंच मारता है और अपने हाथ को उसके पेट के आर पार कर देता है। निकी बोलता है कि ये तो इम्पॉसिबल है और उसके मुँह से खून निकलने लग जाता है। कूलर बोलता है कि अब तुम्हारी ताकत मेरी ताकत के आसपास भी नहीं है। इस वक्त मैं अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल भी नहीं कर रहा हूँ। तुम्हारे पास इस फाइट को जीतने का कोई चांस ही नहीं था। निकी कूलर से बोलता है कि मैंने तुम्हें कहा ना कि बकवास बंद करो। हम देखते हैं कि निकी एकदम से अपना मुंह खोलता है और एकदम से जिंजर और सांशो का मुंह भी खुलता है और उनके मुंह से एकदम से ब्लास्ट निकलता है। कूलर थोड़ा सा हैरान होता है और जैसे ही ये अटैक कूलर तक पहुँचते हैं वो एकदम से इन अटैक्स को पकड़ लेता है। निकी ये देख के बिल्कुल हैरान रह जाता है। वो बोलता है कि ये क्या, उसने अटैक्स को पकड़ लिया। कूलर बोलता है कि तुम मुझे काफ़ी ज़्यादा इरीटेट कर रहे हो, मैं तुमसे थक चुका हूँ। तभी एकदम से फ्रीजा समझ जाता है कि कूलर क्या करने वाला है। वो चिल्लाता है, कूलर ऐसा मत करना। कूलर के हाथ में जो दो अटैक्स होते हैं वो एकदम से सांशो और जिंजर के मुंह में डाल देता है। और तभी हम देखते हैं कि निकी की बॉडी एकदम से फटने लग जाती है। तभी हम देखते हैं कि एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होने वाला होता है, पर अचानक से ही वो ब्लास्ट छोटा हो जाता है। हम देखते हैं कि फ्रीजा ने कुछ किया होता है। सेल्जा फ्रीजा की तरफ देखता है और बोलता है, थैंक यू लॉर्ड फ्रीजा, आखिरकार आपने उनकी मदद करी। फ्रीजा एकदम से चिल्लाता है और बोलता है, कूलर तुम क्या सोच रहे थे, क्या तुम इस पूरी जगह को तबाह करना चाहते थे? अगर मैंने इस एक्सप्लोजन को कंटेन ना किया होता तो ये पूरी की पूरी जगह ख़त्म हो जाती और तुम्हारे लोग भी मारे जाते, और सबसे बुरी बात यह होती कि हो सकता है तुम जनेम्बा को ही तबाह कर देते। कूलर को फ्रीजा की बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता, उसके चेहरे पर अभी भी स्माइल होती है। वो बोलता है, फ्रीजा तुम सही बोल रहे हो, लगता है मैं ज़्यादा ही बह गया था, पर चलो कोई बात नहीं, एंड में आखिरकार सब कुछ ठीक हो गया। फ्रीजा के चेहरे पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है पर वो कूलर को कुछ भी नहीं बोलता। इसके बाद हम देखते हैं कि कूलर और फ्रीजा एकदम से जनेम्बा के पास जाते हैं। फ्रीजा जनेम्बा की तरफ देखकर बोलता है कि लगता है ककून को ज़रा सा भी डैमेज नहीं हुआ है, क्या हमें इसे जगा देना चाहिए? कूलर फ्रीजा से पूछता है कि क्या तुमने उस शख्स से नहीं पूछा था कि इस बीच के मिलने के बाद हमें क्या करना है? फ्रीजा बोलता है, नहीं, मैं उम्मीद कर रहा था कि मैं उन लोगों से पूछूंगा जिन लोगों को तुमने अभी अभी ख़त्म कर दिया। कूलर बोलता है, चलो कोई बात नहीं, हम लोग वहाँ पर वापस जा सकते हैं, वो हमें फिर से बता देगा। फ्रीजा हल्का सा सोच में पड़ जाता है। वो अपने मन में सोचता है कि कूलर आज भी उतना ही समझदार है जितना वो कैद होने से पहले था। मुझे लगता है कि उसे पहले ही पता होगा कि जनेम्बा को उठाना उतना आसान नहीं होगा, इसीलिए कूलर ने जानबूझकर उन लोगों को ख़त्म किया है ताकि उसे पता चल सके कि जोनो कहाँ पर रहता है और वो जाकर उससे मिल सके। मुझे इस बारे में पहले ही पता होना चाहिए था कि कूलर उस शख्स से ज़रूर मिलना चाहेगा जिसे सब कुछ पता है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन भी एक तरीके की पावर होती है।
पर मुझे लगता है कि उससे ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए अगर मैं उस पर अपनी नज़र रखता हूँ तो। मुझे नहीं लगता कि वो ज़्यादा कुछ कर पाएगा। फ्रीज़ा बोलता है कि चलो ठीक है, हम वहीं चलते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि फ्रीज़ा की शिप एकदम से वहाँ से जाने लग जाती है। उन लोगों ने जेनिम्बा के ककून को अपने शिप के अंदर रख लिया होता है और इसके बाद वो जूनो के पैलेस की तरफ जा रहे हैं। फिलहाल दोस्तों आज की ये वीडियो यहीं पे एंड होती है। मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आज की ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें सारी की सारी वीडियोज टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों और थैंक्स फॉर वॉचिंग।